वीडियो पे क्लिक किया है तो या तो आप अपनी सिंगापुर ट्रिप प्लान करने वाले हो या कर चुके हो एंड इन ईदर वे दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. मैं रिसेंटली सिंगापुर में थी फॉर 8 days ऑन अ सोलो ट्रिप एंड चाहे वो वीजा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हो या फिर फूड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी अकोमोडेशन एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड नाउ लेट्स गेट इनटू इट. तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की दैट यू हैव टू इंश्योर इवन बिफोर लैंडिंग इन सिंगापुर एंड वील कॉल इट द प्री बोर्डिंग चेकलिस्ट. सबसे पहली चीज़ आती है वीज़ा. वीज़ा आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो. एक, अगर आप किसी परमानेंट रेजिडेंट को जानते हो सिंगापुर में तो उनके थ्रू आप अप्लाई करो एंड लिटरली इस प्रोसेस में द वीज़ा कैन इवन कम इन अ कपल ऑफ आवर्स. मैंने ये रूट फॉलो किया था बिकॉज आई हैव अ कज़न हु वर्क्स इन सिंगापुर तो वो परमानेंट रेजिडेंट है और उनके आईडी के थ्रू अप्लाई करने से मेरा वीज़ा कुछ घंटों में आ गया था. लेकिन जो दूसरा तरीका है, अगर आप किसी परमानेंट रेजिडेंट को नहीं जानते हो तो उस केस में यू कैन अप्लाई थ्रू एन एजेंसी. उसमें आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ऑफकोर्स टू बिगिन विद. ऑफकोर्स यू नीड योर पासपोर्ट, यू नीड योर टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, योर होटल का बुकिंग्स, देन ऑक्यूपेशन प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दैट योर एजेंसी विल ईजिली हेल्प यू विद. लेकिन स्टैंडर्ड ये रहता है कि 3 से 4 दिन में वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपका वीज़ा आता है. लेकिन आई हाईली रिकमेंड अप्लाइंग लाइक अ वीक इन एडवांस एटलीस्ट. कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपके फ़ोन में डाउनलोडेड होने चाहिए बिफोर गोइंग टू सिंगापुर. जैसे कि फर्स्ट इज ग्रैब एप्लीकेशन विच यू कैन यूज़ टू बुक अ टैक्सी और ऑर्डर फूड फॉर योर सेल्फ इन सच बेसिक नीड्स. सेकेंड इज मूव इट एप्लीकेशन और गो देर की आप वेबसाइट भी यूज कर सकते हो. बट ट्रस्ट मी दीज आर गोइंग टू बी लाइफ सेवर्स फॉर यू देर. ये इन दोनों की फंक्शनैलिटी बहुत सिमिलर है एंड ये बेसिकली ये बताते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप कैसे पहुंच सकते हो, फिर चाहे वो थ्रू वॉकिंग हो, टैक्सी, MRT विच इज द मेट्रो सिस्टम देर, बस. एंड ये इतने इन डेप्थ डिटेल्स देते हैं कि ये भी बता देंगे कि आपके सबसे नियरेस्ट कौन सा बस स्टेशन है, कौन सी बस नंबर आपको लेनी है, ऑल ऑफ दैट. ऑफ कोर्स देन उसके साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो उस हिसाब से जो भी गाइडलाइंस है मेक श्योर यू फॉलो ऑल दैट, यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद यू. एंड हमारी प्री बोर्डिंग चेकलिस्ट एक बार चेक ऑफ हो जाती है उसके बाद लेट्स अज्यूम दैट वी हैव मेड इट टू सिंगापुर एंड यू हैव लैंडेड इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटिफुल एयरपोर्ट्स, चांगी एयरपोर्ट, एंड इट्स कॉल्ड दैट फॉर अ गुड रीजन. एंड मैं इस एयरपोर्ट की बात अभी थोड़ा डिटेल में करूंगी इन द सेक्शन वेर आई शेयर सम मिस्टेक्स दैट आई डिड ऑन माई ट्रिप एंड वॉट यू कैन लर्न फ्रॉम देम. उसमें मैं डिटेल में बात करती हूँ. लेकिन अभी हम आते हैं करेंसी और सिम पे. तो जब सबसे पहले आप आते हो, सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका फ़ोन वर्क करने लग जाए. तो चांगी एयरपोर्ट पे थैंकफुली फ्री वाईफाई है, तो आप उस फ्री वाईफाई से कनेक्ट करो एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर फोन, एटलीस्ट स्टार्ट यूजिंग इंटरनेट. एंड जब सिम की बात आती है तो मैंने एक गलती की थी, मैंने एयरपोर्ट से सिम लिया. सो 3 major networks आर देयर इन सिंगापुर. वन इज StarHub, SingTel एंड M1. तो StarHub का सिम लिया मैंने एंड इट कॉस्टेड मी SGD 32 Singapore dollar विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव. एंड अगर आप सिटी में जाके लेते हो आई थिंक SingTel का या कोई भी जो सिम है $12 Singapore dollar, $15 Singapore dollar का आराम से मिल सकता है सिमिलर प्लान में. तो एयरपोर्ट पे ऑफकोर्स हर चीज़ एक्सपेंसिव होती है एंड उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था, मैं अकेले थी, मुझे सिम चाहिए ही था. सो आई टुक द $32 वाला सिम एंड फॉर मी इट वॉज अ ब्लेसिंग दैट इट हैड इंटरनेशनल रोमिंग एंड मेरे लिए इंडोनेशिया और मलेशिया में भी वो सिम चल गया. तो इट वर्क फॉर मी. बट फॉर दिस वीडियो आई एम अज्यूमिंग कि आप सिर्फ सिंगापुर जा रहे हो एंड उस केस में आई वुड रिकमेंड इफ इट्स समथिंग दैट यू डोंट नीड टिल द टाइम यू रीच द सिटी, टेक योर सिम फ्रॉम द सिटी, इट विल बी अ मच मच बेटर प्राइस. और अब बात करते हैं करेंसी की. तो मैं जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ आई लाइक टू कीप अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कैश एंड अ फॉरेक्स कार्ड. मैं कैरी कर रही थी नियो ग्लोबल कार्ड एंड आई वॉज कैरिंग सम US dollar. तो आई मीन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू हाउ यू प्रेफर इट. बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि एयरपोर्ट पे एक्सचेंज रेट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे. सो मेक श्योर कि आप एयरपोर्ट पे अगर आपको कराना ही है कुछ इनिशियल एक्सपेंसेस के लिए कि थोड़ा सा करा लो जस्ट फॉर दोज इनिशियल एक्सपेंसेस. बट सिटी में जाके आप कन्वर्ट करवाना एंड एक बार करेंसी सॉर्ट हो जाती है, सिम सॉर्ट हो जाती है. एंड हम बजट की बात भी करेंगे वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ के. सो दैट आई एम नॉट डन विद करेंसी. So now that the currency and SIM part is sorted, let's talk about the transport system in Singapore, which honestly I felt was amazing. बहुत से डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो विद इन सिंगापुर. द फर्स्ट वन इज़ टू टेक अ टैक्सी जो आप ग्रैब एप्लीकेशन से बुक कर सकते हो, विच इज़ व्हाट आई रेकमेंड. या इन जनरल ऑल्सो यू कैन टेक अ टैक्सी व्हेन यू आर ऑन द रोड.
नेक्स्ट इज टू टेक द बस. पब्लिक बसेस बहुत अच्छी हैं, बहुत चीप, कन्वीनियंट, क्लीन, ऑल ऑफ दैट, वेरी वेल कनेक्टेड. एंड सेम गोज फॉर द मेट्रो सिस्टम देयर विच इज MRT. इफ यू हैव एवर बीन इन द दिल्ली मेट्रो, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट ऑनेस्टली. एंड द फोर्थ इज ऑफ कोर्स बाय वॉकिंग. नॉट एवरीवेयर यू कैन डू दैट, बट इट्स जस्ट अ वे. तो एयरपोर्ट से जब आप सिटी जा रहे हो सबसे पहले, तो एयरपोर्ट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड थ्रू MRT. तो आप बस निकलते हो एंड MRT के लिए थोड़ा सा वॉक करना होता है एंड यू कैन रीच द सिटी वेरी इजीली. एक चीज़ दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट यू शुड गेट द इजी लिंक कार्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ. सो 10 Singapore dollar का वो कार्ड आएगा और उसमें 5 Singapore dollar की वैल्यू ऑलरेडी होती है. सो इन अ वे यू पेइंग 5 Singapore dollar टू बाय दैट कार्ड. एंड वो कार्ड MRT में भी एप्लीकेबल होता है, बस में भी होता है, इनफैक्ट बहुत सी और जगहों में इन जनरल वो कार्ड एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अकोमोडेशन. अब अकोमोडेशन आप होटल्स चूज कर सकते हो, आप हॉस्टल्स चूज कर सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ट्रैवल दैट यू आर डूइंग. बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी एंड माई ट्रैवल वॉज अ लिटिल बजट फ्रेंडली ऑन दैट साइड. तो मैं 2 hostels में रुकी थी. हेलो, वेलकम टू शीक कैप्सूल होटल. एंड व्हेन इट कम्स टू हॉस्टल्स में यू नो इट कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक 800 or 1000 रुपीज पर नाइट टू 2000, 2500. अगेन देयर इज नो लिमिट. जिन 2 hostels में मैं रुकी थी वो एक था एटेलियर. It was really beautiful. It was so aesthetic, so vibrant. We had a lot of cool people. The breakfast was included, which was amazing for me being a vegetarian especially. So that was great. And the second hostel that I stayed at was Chic Capsule Hotel. Both of them were in Chinatown. In fact, most budget-friendly stay options I feel like are in Chinatown, Little India, all these places. Baki hotels bhi, I don't have any recommendation because I didn't stay in any, but I'm sure you can check on booking.com and all the other sites to check for accommodation. And ek advice jo main dena chahungi wo ye hai that see if your accommodation can be at walking distance from at least some attractions in that area. Jaise Chinatown mein temple se, ek street se jahan mujhe jana tha, bahut sari jagahon se mera hostel walking distance pe tha. And even MRT bhi walking distance pe tha. There was a bus stop at walking distance. Tarike se make sure that location is good and your stay should be quite sorted. And now let's talk about the most important thing, which is food. So Singapore is a place where a lot of immigrants live. Chinese, Indians, Malay people. So and you can actually see that the influence is there everywhere. Jaise chahe aap religious jagahein dekhoge. So right behind me is a Chinese temple and there's a Hindu temple right next to it. So just goes on to show how different cultures live together in Singapore, right? The one thing जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा influence दिखेगा इस चीज़ का, that is food, and that's one thing that Singapore does amazingly well, especially, and I think mostly, for non-vegetarians. It's a meat lover's paradise, and जितने options मतलब इतने options हैं वहाँ पे, इतना कुछ है. Unfortunately, I don't have very specific recommendations for non-vegetarians because I am not one, so I haven't tried a lot of things there. But when it comes to vegetarians, it can be a little bit of a disappointment, especially in the beginning when you're getting the hang of the place. But now that I have been there for 8 good days, ek din aisa tha jab maine dinner mein fries khaye the and I was not happy with it. I was looking for a good restaurant and I couldn't find one. Vegetarians, thodi si planning aapko karni hogi if you want to really have good food. And please remember that Little India is going to be your best friend. Little India mein चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो चाहे वो साउथ इंडियन हो, इंडियंस के हिसाब से, टेस्ट बड्स के हिसाब से खाना है. एंड वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत है. 2 recommendations जो मैं ज़रूर करना चाहूँगी लिटिल इंडिया में, वो है एक साउथ इंडियन जॉइंट कॉल्ड कोमल विलास रेस्टोरेंट. इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड रेस्टोरेंट एंड इट्स द वन ऑफ द बेस्ट साउथ इंडियन यू कैन हैव. एंड सेकेंड इज कैलाश पर्वत. कैलाश पर्वत में आप नॉर्थ इंडियन इन्जॉय कर सकते हो. एंड और भी बहुत ऑप्शंस है लिटिल इंडिया में दैट यू कैन एक्सप्लोर फॉर योरसेल्फ. एंड इन जनरल अगर आप ऐसे वेजिटेरियन हो मेरी तरह जिसको वहाँ के लोकल डेलिकेसीज भी खाने हैं बट इन वेजिटेरियन, तो बुगेस इज द प्लेस फॉर यू. बुगेस में एक जगह है कॉल्ड फॉर्च्यून सेंटर में, और उसके आसपास बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लोकल फ्लेवर्स में आपको वेजिटेरियन मिलेगा. सो इफ यू हैव दैट एंड यू लाइक आई डिड, यू कैन ट्राई आउट दैट प्लेस. क्लार्क की एक जगह है जहाँ पे काफ़ी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. एंड क्लार्क की इज ऑल्सो दैट नाइट लाइफ एंड दैट नाइट हब इन सिंगापुर इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट. So that was a little bit about food. And one more thing that Singapore also does really well is desserts.
वहाँ पे बहुत ही वाइड वैरायटी होती है डिजर्ट्स की, वेरी कलरफुल, वेरी डिफरेंट, समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन. जैसे कि एक है चेंडोल, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, चेंडोल है, दैट आई पर्सनली डिडंट लाइक, एंड आई थिंक उसका ओरिजिन मलेशिया से है, बट अगेन सिंगापुर में भी बहुत प्रेवलेंट है. एंड ऑल्सो दिस आइस किचांग, आइस किचांग भी मैंने ट्राई किया था, दैट्स प्रीटी नाइस. देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बबल टी जनरली साउथ एशियन कंट्रीज में आपको दिखेगा बबल टी. सो डिजर्ट्स बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छे हैं वहाँ पे. सो इफ यूर अ वेजिटेरियन, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट यू कैन टोटली ट्राई, डिजर्ट्स एंड बेवरेजेस इन जनरल. नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सेफ्टी, एंड ट्रस्ट मी, टेक इट फ्रॉम अ सोलो ट्रैवलर who is actually walking on the streets at even 1 o'clock in the night, because I had some work urgent thing that I had to take care of, and main raat ke 1 baje bhi streets pe thi akele, and I felt so safe. But at the same time, it's a sensitive thing and it comes from my experience, so I want you to take the advice with a pinch of salt. Of course, have all your precautions in place, especially if you're solo, but in general I just want to tell you that the people are so nice and it generally just feels so safe to be in Singapore. I really miss that feeling honestly. And जैसे बहुत बार होता था कि मैं गूगल मैप्स पे रिलाई नहीं कर पाती थी, बिकॉज दो बार गूगल मैप्स मुझे गलत जगह पे ले गया था इन सिंगापुर. एंड there were times when I asked locals, जो भी मुझे locals लगते थे, क्योंकि जो youngsters हैं वो majorly English समझते हैं, वहाँ पे तो language barrier नहीं आता. And there were times when I asked them for directions or something, and एक दो बार तो they actually took me to that place, they showed me around, and honestly it was such a beautiful feeling, it was such a nice day and nice time that I had with them. And ये सारी बातें हो गई, now let's talk about the most awaited thing, which is budget. अब देखो, बजट सबका ही बहुत डिफरेंट हो सकता है, एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ ट्रैवल दैट यू हैव. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज ट्रैवलिंग सोलो एंड आई वॉज अंडर अ बजट. तो कुछ चीज़ें जो मैंने फॉलो की वो थी, फर्स्ट वॉज ऑब्वियसली टू स्टे इन हॉस्टल, सेकेंड वॉज टू ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नाउ दैट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ मनी, ट्रस्ट मी, द टैक्सीज आर वेरी एक्सपेंसिव देयर. थर्ड कैन बी टू ईट लोकल, अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी, जैसे लिटिल इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे स्ट्रीट फूड मिलता है, एंड इन जनरल ऑल्सो यू कैन ईट लोकल. एंड देयर वर टाइम्स मेरे मील्स अंडर 300 रुपीज आराम से, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वॉज अंडर 300 रुपीज, 400 रुपीज. एंड कुछ रेस्टोरेंट्स में ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, रेस्टोरेंट्स में 1000 1500 तक जा सकता है. कुछ अच्छी प्लानिंग करनी होगी बस आपको, ईट लोकल, स्टे लोकल, ट्रैवल लोकल, इवन काउच सर्फिंग इज एन ऑप्शन दैट यू कैन एक्सप्लोर, और एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन दैट यू कैन डू, एनी काइंड ऑफ सर्विस दैट यू कैन प्रोवाइड. जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, एंड जो दूसरा हॉस्टल जिसमें मैं 3 nights रुकी थी, द शीक कैप्स्यूल होटल, आई आस्क्ड देम, आई वेरी रैंडमली आस्क्ड देम इफ दे आर अप फॉर अ कोलैबोरेशन. आई शोड देम देयर माई सोशल मीडिया हैंडल्स एंड दे वर अप फॉर इट. So I got a collaboration with that hostel, and I can just share that with you guys, and I genuinely had a very good experience with them, so I was very happy. So agar aap acche se plan karte ho to aap definitely under budget kar sakte ho trip ko. Agar main ek average number dena chahu to at least 4,000 to 5,000 per day to aapko rakh ke chalna chahiye for Singapore. Now that includes the tickets to attractions also, and चाहे आप कितना ही अच्छा plan कर लो, that's one area where you cannot save, because the tickets to different attractions are so expensive, at least I found them very expensive. जैसे नेशनल गैलरी में फर्स्ट डे गई थी, एंड इट वाज 18 सिंगापुर डॉलर, एंड इन द एंड आई वाज लाइक ओके आई स्पेंट वे टू मच फॉर दिस गैलरी. बाकी ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर स्टेइंग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ शॉपिंग यू आर डूइंग. अगर मैं आई एम नॉट श्योर इफ आई एम वेरी एक्यूरेट, बिकॉज आई हैड टू मोर कंट्रीज टू कवर, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑन एन एवरेज आई स्पेंट अराउंड 35,000 रुपीज इन सिंगापुर, एंड आई वॉज देयर फॉर 8 days. सो एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट मेरी आइटिनरी बहुत अलग थी, मतलब आई डोंट बिलीव इन कवरिंग एवरी थिंग दैट गूगल आस्क्स यू टू कवर, एंड दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप फ्रॉम माई साइड फॉर यू इफ यू वॉन्ट टू कीप इट इन बजट एंड इफ यू वॉन्ट योर ट्रैवल एक्सपीरियंस टू बी गुड. सी फॉर एग्जाम्पल, सिंगापुर जू बहुत फेमस है एंड बहुत लोग वहाँ जाते हैं, लोग रिवर सफारी सब करते हैं. In general, I don't like visiting zoos, and उसका ticket price भी बहुत expensive था. तो जो चीज़, जो travel जगह मेरे साथ align नहीं करती, जो मुझे पसंद नहीं है, why do I visit it just because it's a thing to do, and why do I spend money on that? Similarly, it can be for any other place, Universal Studios. If adventure theme parks are not for you, you may not want to go there. So जो भी आपको पता चलते हैं मस्ट थिंग्स टू डू एंड ऑल, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट अगेन एंड सी फॉर योर सेल्फ, बिल्ड योर ओन आइटिनरी आफ्टर यू हैव डन विद ऑल द रिसर्च. एंड जरूरी नहीं है कि ये सारे टॉप थिंग्स आपको कवर करने ही है. ऑन दैट नोट, इफ यू वॉन्ट टू नो सम टॉप थिंग्स दैट आई वुड रेकमेंड एवरी वन टू डू इन सिंगापुर, आई हाईली रेकमेंड यू टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो. आई एम गोइंग टू शेयर
the top things to do, things that you can actually kind of miss in Singapore, and also a very detailed itinerary. Chahe aap 3 din ke liye ja rahe ho, 5 din ke liye ja rahe ho, week ke liye ja rahe ho, that video will sort out your itinerary for you. And kyunki this video is already getting very long, I thought I'll break it down into 2 parts, and in the next video I'm going to share all that. So make sure you subscribe to the channel, you press the notification and you get notified whenever that video comes out. And now, continuing in this video, lastly, I want to share some mistakes that I did in my trip that you can kind of learn from, and also some miscellaneous and other tips that I want to share for Singapore. Okay, so the number one mistake that I made was, it's not really a mistake, but it's something that you can actually be mindful of. Changi Airport pe maine land kiya tha subah ke 5 baje, and that is a time when none of those attractions that I talked about at the airport was open. Chahe wo Jewel ho, chahe wo Butterfly Garden, all the different play areas, so much there is at the airport, and none of that was open. So that was a bummer. Of course, aap city se wapas ja sakte ho airport to explore all that, lekin I mean, it's not very practical, it's not very easy to do that, especially when you have less days. So, if you have an option, and if you really want to explore those things at the airport, make sure that your landing time is after like 10 a.m. or something, because that's when all of these things open. So that was one. Another mistake that I did was that trip se bilkul pehle I bought a new pair of shoes, and new shoes ke saath generally shoe bites aate hain, and while that wouldn't be a problem in general, but Singapore mein a lot of walking is involved. Phir chahe wo Universal Studios mein walking ho, Gardens by the Bay jaise touristy jagahon pe ho, you have to walk a lot. So my suggestion is that even if you have to buy new shoes, do that a little bit in advance so that you get a hang of it, you get used to it, and you don't burn out the way I did. And it was so much that I had to buy a new pair of shoes in Singapore. Mustafa Center, Little India, mein ek aisi jagah hai jahan pe ye sab cheeze relatively acche price mein mil jati hai for us, but not for Singapore, not for us in general. But matlab maine ek naye shoes liye, because I was actually, that situation was very very extreme. So I would recommend you to not do that mistake. And some other miscellaneous tips that I want to share. Number one is to always, always carry your own water bottle. It's not just good for the environment, but it's actually good for your pocket. Kyunki, you can refill that water bottle anywhere, and har jagah pe matlab unnecessarily plastic bottle khareedne ki koi requirement nahi hai. Plus, it's very expensive. Choti choti cheeze bhi bahut expensive hai Singapore mein. If I have to give you an example, Little India mein jo hum ek कुरकुरे का पैकेट 20 रुपीज का खाते हैं, यहाँ पे वो 180 रुपीज वर्थ सिंगापुर डॉलर का था. सो यू कैन सी फॉर योरसेल्फ द काइंड ऑफ डिफरेंस दैट देयर इज. तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू कैरी योर ओन वाटर बॉटल, एंड नॉट जस्ट वाटर बॉटल, ऑल द नेसेसिटीज, ऑल योर एसेंशियल्स दैट यू मे नीड, चाहे वो शैम्पू कंडीशनर हो या फिर मेडिसिन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. मेडिसिन तो इन जनरल हमेशा होनी ही चाहिए, बेसिक मेडिसिन ट्रेवल्स के टाइम, बट मेक श्योर यू हैव दैट इन सिंगापुर इज वेल, बिकॉज एवरीथिंग अगेन लाइक आई सेड इज वेरी एक्सपेंसिव. Another very important tip to remember is to always carry either an umbrella or a raincoat with you. Singapore mein on any given day there's a 50% chance that it might rain. मैं जून के स्टार्टिंग में गई थी, एंड आई वॉज प्रिटी लकी. रेनफॉल मैंने सिर्फ एक दिन देखी, वो भी सिर्फ लाइक फॉर हाफ एन आवर और समथिंग. बट इन जनरल जैसे आई थिंक नवंबर से लेके जनवरी फरवरी ये वाला टाइम है जब मैक्सिमम बारिश होती है सिंगापुर में. बट अदर देन दैट ऑल्सो इट्स हॉट, इट्स ह्यूमिड, एंड इट कैन रेन एनी टाइम. सो मेक श्योर यू हैव दैट विद यू, एन अम्ब्रेला और अ रेनकोट विद यू एट ऑल टाइम्स. एंड वैसे भी इतनी गर्मी होती है दिन में दैट इट कैन ऑल्सो सेव यू फ्रॉम द सन. सो दैट वॉज प्रिटी मच एवरीथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर अबाउट सिंगापुर, एंड दैट हैज कम फ्रॉम नथिंग बट माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग देयर. इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, ड्रॉप देम इन द कॉमेंट्स. आई विल ईदर रिप्लाई टू देम और टेक देम अप इन द नेक्स्ट वीडियो. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो, इट रियली रियली हेल्प्स विद द एल्गोरिथम. एंड इफ यू नो एनी वन हु इज प्लानिंग अ ट्रिप टू सिंगापुर, शेयर दिस वीडियो विद देम. आई होप दे विल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल. एंड विद दैट आई विल सी यू इन the next video. Bye.